ये देखें, मैं स्वीडन यहाँ से गया था, आगे मालमो का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स की भी शॉप है और यहाँ पे डीजल का पेट्रोल पंप भी है और सुपरमार्केट भी है यहाँ पे। ये यहाँ पे सारी बनी हुई है और एयरपोर्ट के करीब ही है। ये व्यूअर्स, टेम्परेरी जो घर बने हुए हैं इनको सोमा हाउस कहते हैं या हेव कॉलोनी भी कहते हैं। ये इसमें ये है कि टेम्परेरी घर बने होते हैं, ये ऐसा होता है कि समर टाइम में ज़्यादातर लोग आते हैं यहाँ पे। इस तरह हट्स टाइप ये घर बने होते हैं और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो ज़्यादातर यहाँ रहते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी घर होते हैं, परमानेंट घर नहीं होते। और ये समर हाउस इनको कहते हैं और ये टेम्परेरी तौर पे ज़्यादातर ये समर में लोग आते हैं यहाँ पे। देखिए इन्होंने ये बोर्ड भी खुद ही बना के लगाया हुआ है यहाँ पे और ये कुछ देखें घर यहाँ इनको रिपेयर कर रहे हैं। ये घर होते हैं लेकिन फिर भी इसमें सहूलियात सारी होती हैं, लाइट होती है, बिजली होती है और इलेक्ट्रिक के अलावा और जो सिलेंडर वगैरह ये गैस के लिए आते हैं। डेनिश में कहते हैं और यहाँ पे इनके हालांकि टेम्परेरी घर है फिर भी देखें इनके पोस्ट बॉक्स लगे हुए हैं और ये साल में एक दो महीने ही यहीं आते हैं, फिर भी इनके पोस्ट बॉक्स लगे हुए हैं और इनके नाम लिखे हुए हैं बाकायदा। हर चीज़ सिस्टम से ये इनकी चलती है और सिस्टम मेंटेन इन्होंने हर जगह किया हुआ है। हालाँकि टेम्परेरी घर है, सिर्फ एक दो महीना समर टाइम में ही आते हैं, उसमें भी देखें इन्होंने अपने पोस्ट बॉक्स बनाए हुए हैं, ये सारे इनके नाम लिखे हुए हैं और ये बाकायदा इनका ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे कुछ होता है, इवेंट होता है उसका लिखा जाता है और ये इनके नाम लिखे हुए हैं बाकायदा। कुछ ये पोस्ट बॉक्स चूँकि वो आए ही नहीं यहाँ पे, उनके ख़राब हुए हुए, ये देखें ये सारे इनके नेम है, नंबर हैं उनका, जाहिर है जो भी हट्स होते हैं उनके नेम लिखे होते हैं। यहाँ पे भी ये देखें इनका लिखा हुआ है, ये दो कॉलोनीज़ हैं, एक उस तरफ है और ये एक, ये इसका नाम है। अब यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू होएफ लीलेनॉक, यानी ये हेव फाइनिंग कहते हैं उसको, एच एफ का मतलब हेव फाइनिंग है, समर हाउस है। अब ये पुराने सारे हट्स वगैरह हैं जो सिर्फ समर टाइम में एक दो महीना लोग आते हैं यहाँ पर, या कुछ ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते तो वहीं यही रहते हैं, लेकिन उनके पास चुपके चुपके पढ़ती थी अपनी बहन
सारा पुराना सिस्टम है, हट्स बने हुए हैं, जबकि इसके करीब ही दूसरी साइड पे न्यू बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी। ये सारी न्यू बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये पहले यहाँ मैदान होता था 10-15 साल पहले, अब ये यहाँ पे ये सारी न्यू बिल्डिंग्स बनी हुई। आगे ये सारे न्यू अपार्टमेंट्स हैं इनमें, और कुछ आपको हट्स दिखाए थे, अब ये नई बिल्डिंग्स जो उसके फ्रंट में बनी हुई हैं, ये सारी न्यू बिल्डिंग्स हैं। ये इनके गाड़ी के केबन्स भी हैं, जो कि ये चूंकि आउटसाइड सिटी है इसलिए हैं, लेकिन सिटी में ऐसा नहीं होता, गाड़ियों के केबन नहीं होते, वो उनका या तो अंडरग्राउंड उनकी गाड़ियों की जगह होती है, या फिर ये है कि वो स्ट्रीट्स में खड़ा करते हैं। ये बिल्डिंग्स आप देख लें, ये सारी नई बनी हुई हैं, और वो समर हाउसेस के सामने बनी हुई हैं। ये उस तरफ आगे पीछे समर हाउसेस से मैं होके आया था, अब ये सारी न्यू बिल्डिंग्स हैं।